हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंस्टा किचन में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने नई रेसिपी लेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मसाला सोयाबीन की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो मैं बिल्कुल अलग और इजी तरीके से बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सोयाबीन लिए, इसे हमने पहले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया था। तो देखिए ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इन्हें निचोड़ लेते हैं, कम सारा पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के हम इन्हें अलग कर लेंगे पानी से। तो देखिए हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है, पानी ने हमने अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने प्याज, अदरक और लहसुन लिया हुआ है, साथ ही टमाटर भी लिए हुए हैं। तो इनका पेस्ट बनाना है हमें। तो देखिए हमने इनका पेस्ट बना लिया है। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कराया। तो हमने एक पैन लिया हुआ है, इसमें रिफाइंड डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच। अब अपनी सोयाबीन इसमें डाल के हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, हमें इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सोख जाए और हल्की ये रेड कलर में आ जाए, जब तक फ्राई करना है हमें इसे। यहाँ पे आप इसे तेज़ फ्राई फ्लेम में फ्राई करेंगे, तो ऐसे ही इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सोयाबीन का कलर एकदम रेड पड़ने लग गया है। तो देखिए रेडी है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं अब हम। तो हमने सोयाबीन निकाल ली है, अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। साथ ही हम अपना चॉप करा हुआ अनियन और अनियन, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। प्याज को ऐसे ही चला चला के हमें फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देख सकते हैं आप, धीरे धीरे हमारी प्याज का कलर चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए हमारी प्याज एकदम रेडी हो चुकी है। तो हम अपना टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसमें और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हमारे मसाले में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने मसाले डाल देते हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून हमें इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है एंड 1 टीस्पून हम इसमें मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर। साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। 1/2 कप हमने इसमें पानी डाला है। तो मसाले को ऐसे ही हम चला चला के पका लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला रेडी है। तो इसमें हम अपनी सोयाबीन डाल देंगे अब और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। 1 कप पानी डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो हम इसे ढक के पका लेंगे, जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। तो देखिए हमारे सब्ज़ी में बॉईल आ गया है, तो इसे थोड़ा सा चला देते हैं हम। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक है। तो चलिए सब्ज़ी रेडी है, तो हम अपनी गैस बंद कर देंगे अब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी है। सोयाबीन की सब्ज़ी एकदम बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी है ये। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मिनटों में रेडी हो जाती है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।